बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर छज्जा गिरने से दो मजदूर दब गए। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। तो एनटीपीसी सोसाइटी में मकान में काम कर रहे थे ये मजदूर। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो ग्रेटर नोएडा के बीटा टू थाना इलाके की ये घटना है। तो हादसा हुआ है ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी सोसाइटी में मकान में काम कर रहे थे मजदूर। किसी दौरान उनका हादसे से सामना हुआ, छज्जा गिर गया मकान का। दो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। अक्रम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अक्रम, और क्या जानकारी इस पूरे मामले पर? ये बीटा टू थाना है जो ग्रेटर नोएडा में, वहाँ एनटीपीसी सोसाइटी है जो कि बेहद अच्छी और पॉश सोसाइटी कही जाती है। वहाँ ये दो मजदूर गुमटी बना रहे थे एक मकान की, जिस दौरान ये हादसा हुआ और छज्जा गिरने से दोनों मजदूर जो थे मौके पर, पुलिस और जो परिवार के लोग थे, जो मकान मालिक थे उसके परिवार के लोग थे, दोनों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया जिसके बाद इसको दोनों मजदूरों को निकाले गए, जिसमें एक नईम है उसकी मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा नंदकिशोर उसकी हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया पंचनामा कर, और तहरीर की बात कह रही है कि जैसे की जाएगी। तो फिलहाल में एक व्यक्ति की जान चली गई है जबकि दूसरा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में देखने को मिला। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब इस तरह से छज्जा बिल्कुल जर्जर हालत में था तो मकान मालिक को भी ये सावधानी रखनी चाहिए थी कि कोई हादसे का शिकार नहीं हो। यहाँ बड़ी लापरवाही मकान मालिक की भी देखने के सामने आई है। फिलहाल पुलिस अब ये देख रही है कि कैसे तहरीर मिलती है, उसके बाद आगे की कार्रवाई करने की पुलिस बात कर रही है। जी चलिए, धन्यवाद आपका अक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हादसा ग्रेटर नोएडा में, छज्जा गिरने से दो मजदूर जो कि काम कर रहे थे, एक की मौत, दूसरा घायल।